जय श्री राधे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली से एक दिन पहले रात में जलने वाले इस छोटे से दीपक में इतनी बड़ी शक्ति क्यों होती है? क्यों कहा जाता है कि अगर इस दीपक को सही समय और सही दिशा में जलाया जाए तो इससे आपके परिवार पर आने वाली किसी भी प्रकार की संकट और बुरी छाया दूर हो जाती है? क्या है यम दीपक का रहस्य और क्यों इसे हमें जलाना चाहिए और हमारे लिए जलाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यम दीपदान की पूरी विधि, उसका महत्व और यह भी कि इस दीप को कैसे और कब जलाना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ मिले। तो इस रहस्यमय सफर पर हमारे साथ बने रहिए। बुरी और असुरी शक्तियों से हमारे जीवन को हानि न पहुँचे, इस नाते लोग धनतेरस की रात को यम दीपक जलाते हैं। कुछ लोग नरक चतुर्थी के दिन भी इस दीपक को जलाते हैं और कई लोग तो धनतेरस से लेकर भैया दूज तक यानी 5 दिन लगातार इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं। इस साल यम दीपक जलाने का मुहूर्त क्या रहेगा और इसका क्या करना है, किस प्रकार करना है? धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। अपने परिवार को अकाल मृत्यु के साय से बचाने के लिए लोग धनतेरस की रात में यम दीपक भी जलाते हैं। पूरे वर्ष में एकमात्र यही एक ऐसा दिन होता है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं इस साल यम दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने का मुहूर्त 29 अक्टूबर की शाम 5:38 से शाम 6:55 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर की सुबह 10:31 से 30 अक्टूबर की दोपहर 1:15 तक रहेगी। और जब आप यम दीपक जलाएंगे तो घर का जो मेन गेट होता है आपको दीपक उसके बाहर जलाना है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जो फ्लैट का आपका जो मेन गेट होता है आप उसके वहाँ पर भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आपके घर के बाहर थोड़ी ज़्यादा जगह है तो थोड़ा सा आप गेट से आगे को उस दीपक को रख सकते हैं। यम दीपक दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। कहते हैं इस दिशा में यम के नाप से दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। दीपक हमें या तो हम घर में आटे का जो दीपक होता है उसको बना सकते हैं। चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। कई घरों में देखा जाता है कि वो एक बाती का ही दीपक प्रज्वलित करते हैं। अगर आप एक बाती का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो दीपक का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर करके जलाइएगा। और अगर आप चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तब तो कोई डर ही नहीं रह जाता क्योंकि चारों दिशाएं अपने आप प्रज्वलित हो जाती हैं। यम दीपक जलाते समय आप मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। और अगर आप मंत्रोच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाथ जोड़कर यम दीपक से प्रार्थना कर सकते हैं और उनकी पत्नी से आराधना कर सकते हैं कि मैं आपके नाम से दीपक जला रहा हूँ या प्रज्वलित कर रही हूँ, तो कृपया करके आप मेरे घर में सुख शांति और हर प्रकार की मुसीबतों से हमें निजात दिलाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। कहते हैं धनतेरस के दिन यम दीपदान करने से मनुष्य के जीवन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीपक जला देना चाहिए। इससे मृत्यु दूर हो जाती है और सारे दुखों का नाश होता है। और कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसके बाद जो दीपक बचता है, दीपक में जो बाती बच जाती है, और जब भी हम कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसके नीचे हमें आसन लगाना होता है। आसन में आप चावल रख सकते हैं थोड़े से, या फिर आप गेहूँ के दाने रख सकते हैं। और जो गेहूँ के दाने जब दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो अगले दिन आप उन दानों को पक्षियों को डाल सकते हैं। दीपक को आप इस दीप को जलाते समय ये सोचें कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि आपके परिवार के लिए आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आपके द्वारा भेजा गया सुरक्षा का एक प्रतीक है। कई लोगों के घरों में ये दीपक नहीं जलाया जाता है और अगर वो जलाना चाहते हैं तो वो ज़रूर इस दीपदान को कर सकते हैं क्योंकि दीपदान करना तो बहुत ही प्रभावशाली और अच्छा होता है। अब जब आपको यम दीपदान की पूरी विधि और उसका महत्व समझ आ गया है तो इस दिवाली आप इस परंपरा का पालन करें, अपने परिवार के लिए यम दीप जलाएं और उनके सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने परिवार और दोस्तों को भी इस के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस बार दीपदान कर रहे हैं या नहीं।
राधे राधे।